भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ होंगे। मोहन सुजान वोजिकी की जगह लेंगे। सुजान वोजिकी 9 साल बाद अपने पद से हट रही हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नील मोहन अभी यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। लंबे वक्त से वह सुजान वोजिकी के सहयोगी रहे हैं। नील मोहन भी अब भारतीय मूल के उन सीईओ की सूची में शामिल हो चुके हैं जो दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों को संभाल रहे हैं। मसलन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे चेहरे शामिल हैं। चलिए अब आपको नील मोहन से जुड़ी वो बातें भी बताते हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता हैं। नील मोहन अपनी पत्नी हेमा सरीम के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। नील मोहन गूगल कंपनी का 2008 में हिस्सा बने। 2015 में उन्हें यूट्यूब में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि नील मोहन को ट्विटर की तरफ से भी नौकरी का ऑफर दिया गया था और जैसे ही ये बात गूगल को पता चली तो गूगल ने उन्हें रोकने के लिए 544 करोड़ के बोनस का ऐलान किया। इन सब के अलावा कपड़ों और फैशन कंपनी स्टिच फिक्स बोर्ड के निदेशक के रूप में भी वे काम कर रहे हैं। नील मोहन अब सीईओ बनते ही अपना टारगेट भी क्लियर कर चुके हैं और नील का पहला टारगेट यूट्यूब को फायदे में लाना है और इसके लिए उन्होंने इस वर्ष गूगल को अनुमानित $7 बिलियन कमाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई भी भारतीय मूल के हैं। गूगल का स्वामित्व भी इसी अल्फाबेट कंपनी के पास है। नील मोहन की नियुक्ति सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के लोगों के बढ़ते दबदबे को दिखाता है।